सुल्तानपुर से लापता हुआ व्यापारी, पत्नी ने जाम कर दिया नेशनल हाईवे, पुलिस पर लग रहा लापरवाही का आरोप। आखिर मंगलेश जायसवाल के साथ क्या हुआ? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सभी लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और सुल्तानपुर बलिया हाईवे जाम कर दिया गया। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर कारोबारी मंगलेश जायसवाल के साथ क्या हुआ है। दरअसल ये मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का है, जहां रहने वाली इस महिला का नाम उर्मिला जायसवाल है, जो कि लापता व्यापारी मंगलेश जायसवाल की पत्नी है। उर्मिला के मुताबिक 28 मार्च के रोज उनके पति मंगलेश अपनी दुकान पर बेटे को बैठाकर किसी काम के लिए निकले थे। इस दौरान इलाके में ही रहने वाले संतोष का फोन उनके बेटे के मोबाइल पर आ रहा था। व्यापारी मंगलेश कई घंटों तक वापस नहीं लौटे। परिवार ने तलाश शुरू की तो पता चला कि मंगलेश क्षेत्र के पतंजलि स्टोर पर संतोष और सिंटू सिंह के साथ बैठे थे। व्यापारी की पत्नी की माने तो संतोष शर्मा ने उनके पति से कागज पर जबरन कुछ लिखवाया और उन्हें टॉर्चर भी किया, जिसके बाद से उनके पति वापस नहीं लौटे। टॉर्चर किया गया, सिग्नेचर करवाया गया, उनसे क्या लिखवाया गया है, किस वजह से भगाया गया है उन्हें, किसने साइन करवाया है, नाम क्या है, नाम बताइए, नाम बताइए। पतंजलि वाले के यहाँ डेढ़ घंटे तक वहाँ बैठे थे, उनसे पता नहीं क्या मतलब, उनको स्वागत किया गया, वहाँ साइन करवाया गया, लिखवाया गया कुछ, उसके बाद उनको बिस्किट खिलाया गया, बोला गया कि 8 बिस्किटों खाएं, 4 हम खाएं। उसके बाद वहाँ से वो निकले, वहाँ से निकलने के बाद वाला वीडियो देख रहा है। किसने बिस्किट खिलाया था? संतोष शर्मा ने। जानकारी के मुताबिक 29 मार्च की शाम संतोष और शिंटू लापता व्यापारी मंगलेश जायसवाल के घर पहुंचे और उनके बारे में जानकारी करने लगे। हालांकि कई दिन गुजर जाने के बावजूद जब पुलिस मंगलेश का पता नहीं लगा सकी तो परेशान पत्नी ने परिवार और इलाकाई लोगों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया और सुल्तानपुर बलिया हाईवे को जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे सीओ कादीपुर शिवम मिश्रा ने 48 घंटे में मंगलेश को तलाश करने का आश्वासन देते हुए जाम तो खुलवा दिया है। फिलहाल लापता व्यापारी मंगलेश का कुछ पता नहीं चल सका और वक्त के साथ ही पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।